सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, फिर सुनाने जा रही हूँ मैं आज को फिर एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी। और ये कुछ हंसी मजाक की भी है। और कहते हैं ना कि सब शरारत करते हैं, सब मतलब एक उम्र होती है कि बच्चे ही शरारत करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे ही शरारत करते हैं, बड़े भी शरारत करते हैं। और ना हमारे एक ऐसी जो हमारे दादा दादी और मतलब थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, मतलब रिटायर होने के बाद, कि वो लोग तो शरारत कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आदमी कभी नहीं करते। हम लोगों को भी सुना होगा कि दादा दादी या बड़े जो लोग होते हैं वो शरारत नहीं करते हैं, बच्चे ही शरारत करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो कहानी है ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी। तो एक साथ सारी कहानियां ही कहानियां सुनाना तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो ब्लॉग बीच में डाल देती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो छोटी सी कहानी है इसे आप लोगों को सुना देती हूँ। तो क्या था, ये जो कुछ जो रिटायर हो जाते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे थे जिनका एक ग्रुप बन गया था, व्हाट्सएप ग्रुप भी था उनका। वैसा भी एक जैसे पार्क में सुबह सुबह घूमने जाते हैं वो भी उनका ग्रुप था, कि एक ने एक को मैसेज दिया कि चलो भाई आज वहां जाना है। तो सारे के सारे इकट्ठे होते थे और खूब उनका ठहाके मारना, खूब हंसना, एंजॉय करना, क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति में निकाली होती है और अब उनको थोड़ा सा आराम चाहिए होता है, तो रिलैक्स का समय उनके लिए होता है। तो वो तने कर सकते हैं क्या? तो यही एक कहानी है। तो कहानी क्या, हम लोग उसको कहानी कह सकते हैं, लेकिन ये भी मतलब कुछ भी सही भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। तो ये था कि वो लोग उनका रोज का रूटीन रहता था, सुबह भी जॉगिंग करने का भी, शाम का भी घूमने फिरने का था। एक दिन वो क्या कर रहे थे, किसी रेस्टोरेंट में गए, तो उन्होंने कहा चलो आज भाई हम लोग रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ नाश्ता वास्ता करते हैं। घर जाकर तो घर में हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, तो चलिए आज चलते हैं रेस्टोरेंट में, वहीं सब जो है नाश्ता पानी करते हैं, फिर अपने अपने घर को जाएंगे। तो यही उन लोगों ने सलाह मशवरा करी और वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए और वहां उन्होंने खूब अच्छे से छिप के नाश्ता किया, चाय पी, सब कुछ बढ़िया से किया। पैसे देने की बारी आई तो आप समझ सकते हैं कि जब सीनियर लोग बैठे हों, बड़े लोग बैठे हों, तो वो लोग क्या करेंगे। तो उन लोगों ने एक कहने लगा मैं दूंगा, दूसरा कहने लगा मैं दूंगा, तीसरा कहने लगा मैं दूंगा, और उन सभी में एक होड़ सी लग गई कि आज का पेमेंट मैं दूंगा। तो उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, तो यही वहां पर चल रहा था कि मैं करके। तो वहां मैनेजर भी देख रहा था एक तरफ से कि भाई ये इस तरीके से क्या हो रहा है, और तो वहां पर और लोग भी देख रहे थे कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं देना चाहता हूँ पेमेंट, और ये कह रहा है मैं देना चाहता हूँ, ये कह रहा है मैं देना चाहता हूँ, तो इतने सारे लोग थोड़ी पेमेंट देंगे, तो आज का पेमेंट कौन देगा, ये बड़ा हम लोगों के लिए निश्चित करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आप हमारी हेल्प कीजिएगा। तो जो वो रेस्टोरेंट के मालिक थे तो उन्होंने कहा तो ऐसा कीजिएगा आप उसमें से एक जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ना रेस्टोरेंट के चक्कर लगा के आते हैं, सबसे पहले जो एक चक्कर लगा के आएगा, जो रेस्टोरेंट का एक चक्कर सबसे पहले लगा के आएगा वो पेमेंट करेगा। अब हम सारी इसी उम्र के हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो पूरा चक्कर रेस्टोरेंट का लगा के सबसे पहले यहाँ पर आएगा वही बिल भरेगा। अब उनकी इस बात को सहमत दे दी मैनेजर ने। मैनेजर बोलने लगा भाई हाँ सभी लोग बढ़िया हैं, सभी लोग अच्छे खासे लग रहे हैं, और पैसे की तो कोई मतलब ही नहीं। इस तरीके की कोई बात उसके दिमाग में, जो मैनेजर था उसके दिमाग में आई भी नहीं। तो वो बोलने लगा ठीक है ये आइडिया बहुत अच्छा है, जो सबसे पहले यहाँ पर राउंड लेगा, क्योंकि सबके सब यही बोल रहे थे ना कि मैं दूंगा। चक्कर लगाने का मतलब ये था, बारिश आ रही है बाहर, रुक रुक के बारिश आ रही है, कभी बारिश आ रही है कभी कुछ आ रहा है, और अभी अंधेरा अंधेरा सा होने लगा था, थोड़ी सी 2-4 बूंदें आके रुक गई थी और अब आने लगी है तेजी से बारिश, तो मौसम सुहाना होने वाला है। और मैं बिना पंखे के उससे बैठी हुई ना, तो यहाँ कूलर के पास से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है,
बहुत अच्छा लग रहा है, इस टाइम महसूस नहीं हो रहा। और ये देखिएगा मैंने रखे हैं करेले काट के, यहीं बैठ के काट रही थी तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग ना बना के आप लोगों के साथ करती हूँ मतलब बातें और सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। तो इसे करके स्टार्ट की थी तो मैनेजर ने जब आज्ञा दे दी कि हाँ ठीक है आप लोग जाइए और ये करिएगा, तो सारे दोस्त जो है एक एक करके दौड़ते हुए बाहर को निकल गए एक साथ। मतलब मैनेजर ने सीटी बजाई और जब सीटी बजाई तो सारे लोग एक साथ बड़ी जोर से भागे और जब तक मैं कहानी पढ़ रही थी जिसने भी तो उसने लिखा था कि 3 दिन हो गए अभी तक वहाँ कोई लौट कर नहीं आया। तो भाई बड़े भी शरारत करते हैं और मैनेजर जो है बेचारा हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि अब कोई आ जाए तो मैं जो है उनसे पेमेंट लूँ, और उनमें से वो सारे के सारे गायब और इतनी आसानी से वो लोग निकल गए किसी को पता भी नहीं चला और बड़े सम्मान से। तो ऐसा ही नहीं है, छोटे ही शरारत नहीं करते हैं, बड़े भी शरारत करते हैं। कुछ टाइम हुआ होगा जब परेशानी, अगर ये कहानी सच्ची होगी तो ऐसा तो नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ बात वो टाइम बाद आए होंगे दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अब जो भी हुआ होगा इतनी ही कहानी थी कि वो 3 दिन तक लौट के नहीं आए और मैनेजर बेचारा देखता रहा। तो छोटे बच्चे ही नहीं बड़े भी हमारे शैतानी करते हैं, शरारतें करते हैं, इसमें आके बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में वो नाराज होने लगते हैं, छोटी छोटी उनको ज़रूरतें अगर उनकी पूरी ना की जाए ना तो वो बच्चों की तरह रूठते हैं। तो ये हमने भी देखा है, अपने घरों में भी देखा है और देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनका कहते हैं हम लोगों में क्या, हम लोगों में क्या सभी में कहते हैं कि जो बचपन उन लोगों का फिर से लौट के आ जाता है क्योंकि वो एक तरीके से फ्री माइंड हो जाते हैं, और जो लोग नहीं हो पाते हैं उनको भी फ्री माइंड कर देना चाहिए, परिवार को उनका साथ देना चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी भर आप लोगों का मतलब आप लोगों को पालने में, आपको परवरिश करने में, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में उनका ही हाथ होता है। तो अब कुछ ऐसा समय भी उनको देना चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें, जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरा कर सकें, चाहे वो घूमने की हों, फिरने की हों, खाने की हों, पीने की हों, मतलब तो कुछ भी इनकी इच्छाएँ अगर कुछ रह जाती हैं जीवन में तो वो उनको पूरी कर लेनी चाहिए, उन लोगों का साथ देना चाहिए। क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारियां अंतिम सांस तक भी पूरी नहीं होती, तो वही रहता है। तो हम लोगों को भी दुख होता है ऐसे, हम भी घर परिवार में ऐसा देखते हैं कि वो आखिरी सांस तक इस चीजों को चलते रहते हैं। क्योंकि हमारे जो मेरे ससुर थे उनका भी यही जीवन था, ऐसा सुकून का देना चाहिए कि जिससे कि वो अपनी जिंदगी को जी सके। तो हमारे मन में भी कभी कभी आता, हमने बहुत करीब से उनको देखा है, इस तरीके से मन भी भारी होता है कभी कभी, हम उनको कोई खुशी नहीं दे पाए क्योंकि जिंदगी संघर्ष में चली गई और उसके बाद आया कि उनको लास्ट टाइम तक भी सुकून नहीं मिला और परिवार बहुत कच्चा था, सब कुछ अच्छा नहीं था जिसे कह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में वो चले गए, तो इसीलिए हम लोग भी कहते हैं कि सबको जो देखिए कहाँ कहानी सुना रही थी और कहाँ मैं पहुँच गई। तो सभी को अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए और जहाँ तक कोशिश होती है, देखो मन भी कभी कभी मन भी भारी होता है, बुरा भी लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं कभी कभी उनकी किसी बात को लेके, किसी चीज से परेशान होके। तो सभी को कुछ हर तरीके की फैसिलिटी मिले, अब जब कोई लेना ही नहीं चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता, जिम्मेदारियों में पूरी तरीके से इस तरीके से जीना चाहता है तो उसको तो जबरदस्ती हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं तो हम तो हमेशा यही सोचते हैं, हर किसी के लिए सोचते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे इधर कोई भी हो, तो हम तो यही चाहेंगे कि उन्हें हर सुविधा मिले। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है जो जबरदस्ती सोचते हैं कि हमारे बिना जिंदगी किसी की नहीं चलेगी, हमारे बिना किसी का जीवन नहीं चल पाएगा, हमारे बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये तो एक भ्रांति है, किसी के जाने से, किसी के मतलब इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई ये सोचे कि हमारे बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये तो सभी को पता है, जो आया है वो गया है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में भी लोग छोड़ के जाते हैं कि लोग खड़े होते हैं, जीवन को जीते हैं, तो सभी जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन कुछ समय अगर मिला है जिंदगी का तो उसे हंस खुस के और इंजॉय करके जीना चाहिए, यही हमारा तो यही हम लोग जो हम लोगों ने दुख भी देखा है, सुख भी देखा, बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में और आज इस परिस्थिति पे पहुंच गए हैं कि इन सब चीजों को लगता है कि कुछ पल हम लोगों को खुशी के मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, बस यही चीज पे लगे रहते हैं। वीडियो बना रही थी, कहानी सुना रही थी,
जो है दिमाग कहीं चला गया, बातें कहीं होने लगी, तो बातें ज्यादा ना करके करते हैं आज की जो कहानी का एंड। कहानी का एंड तो हो ही चुका है, अपनी बातों का भी एंड। और फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी कहानी या ब्लॉग के साथ में। कोशिश करूंगी ब्लॉग बनाने की अभी, क्योंकि लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, घुटन घुटन सी कुछ ज्यादा हो रही है, तो देखते हैं। वैसे भी मैं करेले बना रही हूँ, अगर आपके साथ शेयर करूंगी तो करेले तो सभी बना लेते हैं कैसे भी करके। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तो जितने भी कड़वे हो मैं ना धूप में सुखाती हूँ, ना नमक लगाती हूँ, ना कुछ करती हूँ, ऐसे ही काटती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ इसमें। तो देखते हैं क्या क्या शेयर कर पाते हैं, वीडियो बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। चलो आज के लिए इतना ही बस, इसी के साथ ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड, गुड नाइट।